गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, डैट देयर आर टू वे ऑफ स्प्रेडिंग लाइट। पहला क्या है, टू बी द कैंडल। नेक्स्ट वन इज दैट द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स इट। सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल अदर एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आज मैं आप सबको बता दूंगा इसके आज के बाद मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा जैसे कि मैं पहले करता था। हर दिन सुबह आपको 5:45 पे वीडियो मिल जाएगी। ओके, ड्यू टू माय रेगुलर क्लासेस की वजह से मैं नहीं डाल पाता था, लेकिन अब मेरे एग्जाम्स फाइनल्स खत्म हो गए हैं, नाउ आई विल बी एबल टू अपलोड द वीडियो रेगुलरली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द न्यूज एक्सप्रेस अवेयर, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली ऑफर्स $2 million लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नागालैंड। नागालैंड में जितने भी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलकर एक साइन किया है एग्रीमेंट दैट दे विल बी गोइंग टू ऑफर द $2 million लोन फॉर द सपोर्टिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नागालैंड। इससे रिलेटेड मैं आप सभी को रेलिवेंट पॉइंट दे दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ $2 million प्रोजेक्ट्स रेडीनेस फाइनेंस लोन। ठीक है, कि कौन सी प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस लोन के तौर पर यह लोन दिया जाएगा किसको, नागालैंड को, फॉर डिजाइन ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखेंगी उनके लिए, ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन हो जाती है क्लाइमेट, बहुत ज्यादा कभी कभी बोलते हैं ना कि क्लाइमेट जब भारी पड़ता है तो बहुत किसी को लेके डूबता है। ठीक है, सो जितनी भी आपदा वाली चीजें हैं उन सबसे निपटने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और उसी के लिए ये लोन दिया जाएगा। ओके, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जितनी भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। इंप्रूविंग म्युनिसिपल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है, म्युनिसिपल रिसोर्स मोबिलाइजेशन को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे विद दिस लोन। ओके, सो दे आर गोइंग टू गिव कितना, $2 million का लोन दिया जाएगा, $2 million का लोन दिया जाएगा टू नागालैंड। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स लिख सकते हैं आप किसके किसके बीच में, हु आर द सिग्नेटरीज, कौन कौन सिग्नेटरीज रहे हैं अभी तक ओके इस लोन के पीछे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच रिलीज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, रजत कुमार मिश्रा, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, हु साइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए किसने साइन किया है, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके रजत कुमार मिश्रा जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, इधर से ये रहे और टकियो कोनिस्की कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेसिडेंट मिशन, हु साइन फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, किसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए किसने साइन किया है, टकियो कोनिस्की। ठीक है, दीज वर द सिग्नेटरीज टू द प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग फॉर द प्रपोज्ड नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, बाय एस्टेब्लिशिंग एन अर्बन सेक्टर प्लान, कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ चूजन सब प्रोजेक्ट्स, द एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग विल इंश्योर हाई प्रोजेक्ट रेडीनेस। ठीक है, दे आर गोइंग टू इंश्योर द हाई प्रोजेक्ट readiness. Okay, the PRF loans will be used to help construct climate resilient. ठीक है, climate resilient को construct करने के लिए इसको use किया जाएगा। water supply के लिए, sanitation के लिए, solid waste management के लिए, ताकि कोई भी proper solid waste management हो, हर जगह proper sanitation का ध्यान रखा जाए, water की supply हो इसकी अच्छे से। ठीक है, urban highways में, okay, in Nagaland 16 districts headquarter town as well as better access for the poor and vulnerable. ठीक है, जितनी भी Nagaland में जो भी communities रह रही है, ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 16 ट्राइब्स रिसाइड्स इन नागालैंड। ठीक है, और लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को बहुत ही जोरों शोरों से रन किया जाएगा और ज्यादातर किसको एक्सेस किया जा रहा है, पुअर्स और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ओके, सो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी किस स्टेट को $2 million का लोन प्रोवाइड किया फॉर द सपोर्ट इन द सपोर्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सपोर्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 248 कैसे ऑप्शन दे देगा, वहां पर आपको 2 बताना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। दिस ईयर वी मार्क 103 ईयर्स ऑफ जलियांवाला बाग मार्टिर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, बहुत ही ज्यादा लोगों को एक्चुअली समझ में भी नहीं आता है, कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज द आर्टिकल ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश भी होते हैं सालाना। ओके, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, पता भी होगा तो इन्फॉर्मेशन लैक है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग मैं आप सबको बता दूं कि जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग जो मार्केट्स हुआ था, वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999। ठीक है, पहले आपको ये डेट याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मार्केट्स हुआ था, कहां पर, व्हिच इज आल्सो नोन एज अमृतसर मार्केट्स। ठीक है, अमृतसर मार्केट्स के नाम पे ये जाना जाता है। ओके, दिस ईयर वी कमेमोरेट 103rd एनिवर्सरी ऑफ द टेरर दैट शुक द एंटायर कंट्री टू अ स्टैंड स्टिल। ठीक है, बहुत ही हार्श कंडीशन उस टाइम पे हो गया था, बहुत ही ज्यादा कंट्री को बहुत ही मेजर शॉक लगा था इससे। ठीक है, बिकॉज वहां पर हमारे बहुत सारे इंडियन को मार दिया गया था। ठीक है, कर्नल डायर के द्वारा। ठीक है, कर्नल डायर का पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिख लीजिए, कर्नल हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहां पे कॉर्नेलिया लिखा था। ठीक है, कर्नल रेजिनल्ड डायर। ठीक है, इन्होंने ही ऑर्डर दिया था, शूट आउट का ऑर्डर दिया था। ठीक है, कि अंधाधुंध गोलियां चलाइए। ठीक है, और ये इनका नाम क्या था, कर्नल रेजिनल्ड डायर। ओके, द जलियांवाला बाग गार्डन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मेमोरियल। आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो वहां पर एक मेमोरियल बन चुका है। ठीक है, लोग वहां पर सालाना लोग आते हैं। ठीक है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स केम्स ऑन दिस डे टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द मार्टियर्स मेन एंड वुमेन हु वर किल्ड ऑन दैट फेटफुल डे फॉर द नेशन। ठीक है, जो उस दिन जो मारे गए थे। ठीक है, उनको उनको एक तरीके का रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स केम्स आते हैं इस दिन और रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, भाई फूल माला चढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ कुछ समय बिताते हैं। ओके, सो ये जो हुआ क्या था एक्चुअली, हमें आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है, सो एक न्यू पेज हम लोग ले लेते हैं, लेट्स डिस्कस करते हैं इसको बहुत ही विस्तार से। ठीक है, एक्चुअली 13 अप्रैल की जो जो डे है, 13 अप्रैल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 13 अप्रैल 1999, ये जो दिन है ये बहुत ही इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही डार्क डे माना जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क डे। ठीक है, लिख लीजिए, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है। ओके, जहां पर क्या हुआ था कि बहुत सारे, लगभग मैं आपको बता दूं तो 25,000 लोग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वाला बोला जाता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि मैं 25,000 ही थे। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये आंकड़े बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अभी भी ये आंकड़े कन्फ्यूजिंग ही है, डेथ के जो केसेस है वो भी कन्फ्यूजिंग ही है। ओके, अभी भी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, कांग्रेस ने कुछ और एस्टिमेट दिया है और उनके द्वारा कुछ और एस्टिमेट दिया गया है। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि इसको डार्क डे के भी नाम से जाना जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर पंजाब। ठीक है, पंजाब के जो अमृतसर है वहां पर एक जलियांवाला बाग है, आप सबको पता होगा। ओके, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पर गैदर होने लगे थे। ओके, और जो ये एक्चुअली इस डे को एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बैसाखी फेस्टिवल आपने सुना होगा। ठीक है, बैसाखी फेस्टिवल पंजाब में बहुत ही फेमस ये फेस्टिवल है। ठीक है, और इसी दिन से न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं पंजाबी लोग। ठीक है, पंजाबी लोग इसी दिन से न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं और ऑल ओवर इंडिया, इसको ऑल ओवर पंजाब भी बोला जा सकता है, ऑल ओवर नेशनल हॉलीडे के नाम से इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और बहुत सारी जो लोग हैं इस दिन आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस ओकेजन पे। ठीक है, बैसाखी को मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ मनाते हैं। ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ गया था इस दिन, मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग की जो बैसाखी है 13 अप्रैल की, मैं बता रहा हूँ 13, मान लीजिए 14 अप्रैल की, क्योंकि 12:00 आई थिंक 40 मिनट पे ये घटना हुई थी रात के टाइम पे। तो उस दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो कर्नल डायर थे उन्होंने अनाउंस किया था किसको, एक मैं आपको बता दूं कि कर्फ्यू का उनको एक मिला था नोटिस कि कर्फ्यू
होने वाला है, ठीक है, कर्फ्यू होने वाला है। और ये उन्होंने क्या किया था, जैसे पहले कर्फ्यू का तो बाद में उनको मैसेज मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया था, एक नोटिस निकाला था, उन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन लगा दिया कि एक जगह पे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे चार या चार से ज़्यादा लोग, तीन या तीन से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते हैं पब्लिकली, ओके। लेकिन कॉन्फिडेंसली मैं आपको बता दूं कि 12:40 PM रात में, ठीक है, रात में ये कर्नल रेजिनल्ड डायर को एक नोटिस मिला, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली कि एक मीटिंग अरेंज, मीटिंग चल रही है कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, जो कि बाद में जाकर एक राइट और प्रोटेस्ट में एक मोड़ ले सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही उनको ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने क्या किया, जो मेन एंट्रेंस था, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये ऐसा था वहाँ ग्राउंड, ठीक है, ये जो मेन एंट्रेंस था यहाँ पर उन्होंने घेराबंदी लगानी शुरू कर दी, ठीक है, घेराबंदी लगानी शुरू कर दी और जगह जगह पर पॉइंट पॉइंट पर अपने वो सेना तैनात कर दी है, ठीक है। और बहुत सारी मतलब कि जो सेनाएं थी उनकी लाखों में थी, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा, मिलिट्री बहुत ज्यादा आ गई थी उनकी, ठीक है, और दे वर ऑल कैरिंग मशीन गन्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स थे उन्होंने कैरी किए हुए थे। आफ्टर दैट ये सारे एंटर किए यहाँ पर, इस टाइप से ऐसे करके एंटर किए यहाँ पर, इन्होंने ऐसे करके एक तरीके का कर्व टाइप का बना लिया, ठीक है, और दे टुक पोजिशन ले लिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग अप्रॉक्सीमेट अभी भी मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, 25,000 लोग एकत्रित थे, ठीक है, 25,000 लोग एकत्रित थे वहां पर उस टाइम पे, ओके, और उन्होंने अंधाधुन फायरिंग का आदेश दे दिया, ठीक है, दे गिव द ऑर्डर्स फॉर द फायरिंग, ठीक है, फायरिंग का आदेश दिया। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर एस्केप करने में मैनेज कर पाए, भाग पाए, ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर एक ही, जैसे बोलते हैं ना, क्या ही बोलूं मैं आपको, एक सॉलिट्यूड नाम का एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, सॉलिट्यूड मतलब सिंगल वेल, सॉलिट्यूड वेल था वहां पर, मतलब एकमात्र वेल था वहां पर जलियांवाला बाग में, एकमात्र वेल था, और उसी वेल में कुछ लोगों ने जंप लगाया, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि निहत्ते लोगों पर अंधाधुन फायरिंग चल रही थी, ठीक है, रेप्स हो रहे थे, मर्डर्स हो रही थी, किलिंग्स चल रही थी, ठीक है, तो ज्यादातर औरतें उसमें से मिली थी, और वो दूसरों के हाथ से देने से अच्छा है कि वह खुद ही उस कुएं में कूद गई, ओके। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है इसमें, ठीक है, कुछ भी मैं अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट लोगों में बहुत ज़्यादा ये अभी भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, माना भी जाता है, ओके। और इसकी ये जो फायरिंग चली थी, ये फायरिंग कंटिन्यू 10 मिनट्स तक चली थी, ठीक है, 10 मिनट्स तक अगर कंटिन्यू अंधाधुन फायरिंग चलेगा, तो आप सबको पता है कि 25,000 क्या, अगर एक बार अगर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, ब्रस्ट राउंड स्टार्ट कर दिया गया, तो मैक्सिमम लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वहां पर कंजेस्टेड एरिया था, ठीक है, ये एरिया कंजेस्टेड था, तो कुछ लोग यहां से भाग रहे थे, कुछ यहां से भाग रहे थे, कुछ यहां से भाग रहे थे, ठीक है, ये दीवार थी ऐसे घेरी हुई, तो ऐसे लोग भाग रहे थे, और जो नहीं भाग पाए वहां यहां पर मारे गए, ठीक है। सो ये 10 मिनट तक चली, उसके बाद उन्होंने सीज फायर कर दिया, सीज फायर भी जब किया जब उनके पास एमिनेशन कम होने लगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सीज फायर उन्होंने जब किया जब उनके पास एमिनेशन की जो ये डंप थी यहां रखी हुई, और ये कम होने लगी जब उन्होंने सीज फायर किया, ये किलिंग्स को रोका, ठीक है। सो उनके पास जो सप्लाईज थी, एमिनेशन सप्लाईज थी, एमिनेशन डिपो थी, वो जब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रही थी, तब जाकर उन्होंने सीज किया, ओके। बोला जाता है कि इसमें मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर देख सकते हैं हाउ मेनी पीपल डाइड इन जलियांवाला बाग, कितने लोग एक्चुअली मरे थे, इसका अभी भी कोई एस्टिमेट नहीं है, कुछ कहते हैं 379 डेथ्स, ठीक है, कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं 1000 डेथ, ठीक है, लेकिन डेड बॉडीज मैं आपको बता दूं कि जो वेल से, जो एकमात्र सॉलिट्यूड वेल था, ठीक है, उसमें से सिर्फ 120 डेड बॉडीज मिली थी, रिकवर की गई थी, ओके, और उसके बाद बाहर तो बहुत सारी लाशें बिछी हुई थी, अभी भी वो काउंट जो है वो, मतलब कि कुछ पता नहीं उसकी डेथ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स कॉज बाय द फायर ड्यू टू द फायरिंग हैड बीन अ डिस्प्यूटेड इशू टिल नाउ, ठीक है, अभी भी डिस्प्यूटेड है, अभी भी लोग का मानना है कि वहां का अभी डेथ की जो टॉल है वो कन्फर्म नहीं है, ठीक है। सो ये सब कुछ हुआ था इस दिन, जलियांवाला बाग महाक्रिसिस के दिन, तो आपको याद रखना है, वी ऑब्जर्व 103rd एनिवर्सरी ऑफ दिस टेरर, ठीक है, ऑन 13th अप्रैल 2022, ठीक है, और ये हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था, ओके। सो आपको याद रखना है ये सब चीजें, ओके, मैं जो आपको बताया, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, आप सबने सुना होगा दैट इंडियाज का जो गोल्ड इंपोर्ट है,
ना कि एक्सपोर्ट। याद रखिएगा मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड को, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 33.34% से इंक्रीज हुआ है, ओके टू द रुपीज 46.14 बिलियन इन 2021-2022। ओके अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन इंडिया हैज बीन रोज बाय 33.34% टू 46.14 बिलियन ऑन अकाउंट ऑफ हायर डिमांड इन 2021-2022। ठीक है, आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से कंट्री बहुत ही ज्यादा पीछे चली गई थी इकोनॉमी में। ठीक है, लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड होने की वजह से जो गोल्ड की जो इंपोर्टिंग है, ठीक है, गोल्ड की जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन 2020 एंड 2021 वाज अबाउट 34.62 बिलियन। ठीक है, 34.62 बिलियन था और अब कहां पर 46.14 बिलियन है। तो आप सोच सकते हैं ओनली आफ्टर चाइना, ठीक है, आफ्टर चाइना लिखता हूं मैं यहां पर, आफ्टर चाइना इंडिया इज द नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द गोल्ड। ठीक है, आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। ओके, इंपोर्टर मैं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, और अब ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ा है? मैंने आपको रीजन भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ड्यू टू हाई डिमांड, हाई डिमांड की वजह से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिमांड है गोल्ड का और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी ऑफकोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि एक जमाने में 32,000 था, ठीक है, 32,000 रुपये गोल्ड था, ठीक है, कीमत जिसकी 10 ग्राम की 32,000, आज के रेट में अगर देखें तो 52 एंड अबव क्रॉस कर चुका है। ओके, सो लोगों के बीच में जब डिमांड रहेगी तो कोई चीज़ें ऑफकोर्स बढ़ेगी ही। ओके, तो ये कुछ इस टाइप के थे, आपको टाइप की न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अपने क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एज पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन 2022-23 फिजिकल ईयर। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एस्टिमेट दिया था 4.7% इंक्रीज होगी वर्ल्ड की ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, ग्रोथ करेगी कितने से, 4.7 से। नाउ अभी ये कम कर दिया गया उनके द्वारा, ठीक है, और रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, 2.5%, बी 3%, सी 4% एंड डी 5.5%। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने बताया है कि अब ये 4.7% से नहीं, अब ये 3% ग्रो करेगी कब, 2022-23 में। नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज डाउन इट्स फॉरकास्ट फॉर द ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन 2022-2023 टू 3%। और ये किससे हुआ है, ये हुआ कैसे, द क्लास इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रशिया और यूक्रेन वॉर। ठीक है, रशिया और यूक्रेन वॉर जो अभी चल रहा है, ठीक है, और ये कोई नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा, मे बी ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू हो सकता है। नाउ आपने अभी यहाँ पर सुना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश आया है यहाँ पर सामने, दैट इज फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड ने भी बोल दिया है कि वी वॉन्ट टू ज्वाइन द नाटो, नाटो को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। नाउ रशिया ने क्या एक रशिया ने क्या एक स्टेटमेंट दिया, दैट वी विल हैव टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बाल्टिक सी या इन बाल्टिक सी और बाल्टिक सी ही आई थिंक, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाल्टिक सी में ही है। दैट रशिया ने बोला है कि हमको न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करना पड़ जाएगा अगर आपने ये स्टेप लिया तो। ठीक है, आप सबको आपको पता है कि हम अभी यूक्रेन के साथ इंगेज है, इसके बावजूद अगर आपने ये स्टेप लिया तो वी विल हैव टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया, रशिया के द्वारा टू द फिनलैंड। ओके, नाउ ये जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है किसको, रशिया को हुआ है, ऑफकोर्स हुआ है। और ये आपको मैं बता दूं जो यूक्रेन का ऐसा, ये जो यूक्रेन सपोज मान लीजिए यहां पर जो है इन्होंने जो ये वाला जो कीव का जो रीजन था यहां से अभी मिलिट्राइजेशन कम होता हुआ है। ठीक है, अब ये प्लान कर रहे हैं अटैक करेंगे कहां से, ईस्ट से प्लान कर रहे हैं अटैक करेंगे। ओके, सो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, रिसेंटली हु वांट्स टू ज्वाइन द नाटो मेंबरशिप, दैट इज फिनलैंड। ओके, और अभी यूक्रेन अभी भी चल रहा है, उसके बहुत ही ज्यादा वहां पर हार्श कंडीशन हो गया। ठीक है, WTO also warned of potential food crisis caused by surging prices. ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा ये पॉसिबिलिटीज है कि फूड की क्राइसिस देखने को मिल सकती है। और ये इवन मैं आपको बता दूं कि WTO के द्वारा ये वार्निंग भी दिया गया है। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू शुड नो, दैट एज पर WTO व्हाट इज एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन द 2022-2023 फिजिकल ईयर, दैट इज 3%। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
that India has decided to establish education and skill development working group with which country? ठीक है, किस कंट्री के साथ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, establish करेंगे education and skill development working group. These are the options in front of you. A USA, B France, C Germany and D Finland. ओके, आप ये फिनलैंड को जो न्यूज में ये मत सोच के फिनलैंड मत कर दीजिएगा, ठीक है. आई एम गोइंग टू गिव द राइट आंसर, दैट इज ए. यूएसए के साथ इन्होंने मिलके डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंडिया यूएस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप. ठीक है, ग्रुप बनाया जाएगा किसके द्वारा, इंडिया और यूएसए के द्वारा, रिलेटेड टू वॉट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप. इट्स एम टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, स्किल के डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन का स्तर को बढ़ाएंगे. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसमें कोऑपरेशन देखने को मिलेगी बिटवीन द कंट्रीज, ओके, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू ज्वाइंट कोलैबोरेशन. ठीक है, और एक कैसे होगा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन कंट्रीज के बीच में समझौता होगा. ठीक है, उसके बीच में, उसके बाद ही हमें इस सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी. द ग्रुप ऑल्सो प्रमोट स्टूडेंट एंड स्कॉलर मोबिलिटी टू बिल्ड अप पीपल टू पीपल लिंकेज. ठीक है, इस ग्रुप का मेन काम भी क्या होगा कि स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, स्कॉलर्स को प्रमोट करेंगे टू बिल्ड पीपल टू पीपल लिंकेज. ठीक है, इट इज इशूड अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग. ठीक है, 2+2 जो मिनिस्ट्रल डायलॉग हुआ था उसके बाद ये स्टेटमेंट निकाला गया. इट्स अ ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय बोथ द कंट्रीज. ओके, सो द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, आपको मैंने बता दिया दैट इज किस कंट्री के साथ साइन करें, एस्टैब्लिश करेंगे, दैट इज यूएसए के साथ. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम. ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री. किस यूनियन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव, दैट इज स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम. दिस आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, सो दिस आर द ऑप्शन. I'm going to give the right answer to you, that B will be the answer of this question. Ministry of Housing and Urban Affairs ने initiative लिया है, that is स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं 14 स्टेट एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज कवर अप की गई हैं. ओके, ये एक एडिशनल प्रोग्राम है ऑफ पीएम. ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही ज्यादा एडिशनल प्रोग्राम है. स्वनिधि वॉज लॉन्च लास्ट ईयर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था इन 125 सिटीज. ठीक है, अंडर द फर्स्ट फेज, पहला फेज के अंदर मैं आपको बता दूं किसने कितने कवर किए हैं. 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किए हैं और उनकी फैमिलीज को कवर किए हैं. ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है कि वो क्या करते हैं, कैपिटल लोन प्रोवाइड कराते हैं किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को. ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड पे, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या करते हैं, कैपिटल लोन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, एट प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन. ठीक है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कैपेबिलिटीज में अफोर्डेबल कैपिटल लोन प्रोवाइड कराते हैं टू द वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताना जरूरी था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर में ये आता है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, जिसको अंदर 126 एडिशनल सिटीज को इंक्लूड किया गया अक्रॉस 14 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, सो दीज थ्री क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टूडे. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.